हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कार देख लो में। अभी आ चुके हैं वत्सल हुंडई शोरूम, जो कि हजारीबाग झारखंड में अवेलेबल है। और भाई, इस शोरूम से मैं हुंडई वेन्यू की SX डीजल वेरिएंट का वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि व्हाइट कलर के साथ लगी है। इस वीडियो में मैं इसकी सारी फीचर्स कवर करूंगा, साथ में इसकी प्राइस क्या होने वाली है वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो भाई, वीडियो में बने रहे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो स्टार्ट करने के पहले ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दो कि हुंडई वेन्यू लेने का प्लान करेंगे तो यहाँ पे 3 इंजन ऑप्शन होने वाली है। सबसे पहले इसे नेचुरल पेट्रोल इंजन में, साथ में टर्बो पेट्रोल, और इसे डीजल वेरिएंट में आप ले पाएंगे। इंजन की डिटेल आप डिस्प्ले में देख पा रहेंगे। इसके साथ इसे डीजल के साथ लेंगे तो यहाँ पे 3 वेरिएंट आपको मिलती है, S+, SX और ये SX ऑप्शनल वेरिएंट आपको मिलने वाली है। जो ये 3 वेरिएंट आप डिस्प्ले में देख पा रहेंगे भाई, ये SX वेरिएंट है जो व्हाइट कलर के साथ देख पा रहेंगे, ये सेकंड टॉप वेरिएंट है जो यहाँ पे लगी हुई है। इस वीडियो में मैं इसकी सारी फीचर्स तो कवर करूंगा, लेकिन वेन्यू पेट्रोल वेरिएंट SX नहीं लेते हैं। इसके जगह अगर ये डीजल वेरिएंट लेंगे तो उसके कंपैरिजन में इंजन के साथ एक्स्ट्रा क्या फीचर्स इसमें मिलने वाली है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिना देर के हुए अब चलते हैं इस गाड़ी के फ्रंट के फेसिया में और इसकी फीचर्स को वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे इस गाड़ी की फ्रंट की लुक देखो यार, सब कॉम्पैक्ट SUV की जो बोल्ड लुक होनी चाहिए यहाँ पे आपको मिलती है। साथ में इसकी ग्रिल देखो यार, डार्क क्रोम के साथ है, लोगो भी सेम कलर के साथ मिलती है, जो कि इसे यूनिक बनाने वाली है। अब इसके लाइट के सेटअप में चलेंगे तो यहाँ पे अप साइड में इसकी टर्न इंडिकेटर, प्रोजेक्टर की बात करेंगे तो भाई ये LED के साथ है, साथ में ये ऑटो के साथ है। यहाँ पे DRL जो है सराउंडिंग प्रोजेक्टर के साथ है, ये भी LED के साथ रखी गई है। लोअर स्कीड प्लेट की बात करेंगे तो भाई ये सिल्वर कलर के साथ यहाँ पे आपको मिलेंगे। और गाड़ी को इमरजेंसी केसेस पे टो करनी है तो यहाँ पे टोइंग हुक मिलेगा। अब जैसे गाड़ी के अपर के बोनेट में आओगे तो इसकी डिजाइनिंग देखो यार, काफी अच्छी कर्व रखी गई है जो गाड़ी के लुक को तो एनहांस करती है और ये इसे एरोडायनेमिक भी बना के रखती है। अब आते हैं भाई गाड़ी के साइड के फेसिया में, तो यहाँ पे भी लुक प्रॉपर रखी गई है मेंटेन करके साइड से। सबसे पहले बात करेंगे भाई गाड़ी की डायमेंशन की, जहाँ पे इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, साथ में गाड़ी की व्हील बेस आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। साइड से ये जो ब्लैक कलर की क्लाइडिंग देख पा रहे होंगे भाई, ये गाड़ी को SUV की तो लुक देती है, लेकिन ये गाड़ी को मेजर स्क्रेचेस, वाटर और डस्ट से प्रोटेक्ट करके भी रखती है। ORBM जो है वो बॉडी कलर के साथ है, साथ में LED टर्न इंडिकेटर। ORBM को फोल्ड करनी है या एडजस्ट करनी है, इसके अंदर के मिरर को आप बटन्स के थ्रू कर पाएंगे। डोर हैंडल भी सेम बॉडी कलर के साथ रखी गई है। इसकी ए पिलर जो है ये पियानो ब्लैक कलर के साथ है, बी पिलर आपको मैट ब्लैक कलर के साथ रखा गया है, सी पिलर में आओगे तो ये बॉडी कलर के साथ है। देन ऊपर में आओगे तो भाई इसकी रूफ रेल देखो यार, ये सिल्वर कलर के साथ है, इलेक्ट्रिक सनरूफ है जिसकी व्यू काफी अच्छी है। पीछे सार्फिन एंटीना ये भी आपको बॉडी कलर के साथ मिलेंगे। अब आते हैं भाई गाड़ी के टायर के प्रोफाइल में, तो यहाँ पे डुअल टोन अलॉय व्हील मिलती है जो कि डायमंड कट के साथ मिलने वाली है। टायर सेक्शन की बात करेंगे तो 215/60R16 की रखी गई है फ्रंट में डिस्क, और जैसे पीछे आओगे तो भाई यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलने वाली है। अच्छी बात यह है कि ये C8 की टायर होने वाली है। अब बात कर लेंगे भाई कि SX अगर आप पेट्रोल वेरिएंट में ना लेके इसे डीजल में लोगे तो इंजन के साथ यहाँ पे जो फीचर्स में अंतर होने वाली है भाई, इसकी अलॉय। SX पेट्रोल वेरिएंट में आपको व्हील कवर मिलती है, जबकि यहाँ पे अलॉय व्हील देखने को मिलती है, जो कि इसे यूनिक बनाती है, प्रीमियम लुक देती है। ड्राइवर डोर हैंडल में आओगे तो एक रिक्वेस्ट सेंसर है जिसके थ्रू गाड़ी को लॉक अनलॉक कर पाएंगे। अब इसके बैक प्रोफाइल में आओगे तो भाई एक बार आप इसकी बैक प्रोफाइल देखो यार, सबसे ज्यादा इनहांस करेंगी इसकी टेल लैंप, जो कि LED विद कनेक्टेड यहाँ पे आपको मिलती है, जिसकी विजिबिलिटी लाइटिंग काफी अच्छी है। यहाँ पे गाड़ी की रिवर्स लाइट, टर्न इंडिकेटर, नीचे रिफ्लेक्टर मिलती है और पीछे भी आपको यहाँ पे प्रॉपर लाइट मिलती है। SX वेरिएंट की ब्रांडिंग, वेन्यू, साथ में कंपनी की लोगो देख पा रहे होंगे। अप साइड में आओगे तो भाई हाई माउंट और स्टॉप लैंप, इस वेरिएंट में वाइपर डिफोगर मिलने वाली है, साथ में ऊपर में वाशर। भाई ये चीज़ काफ़ी अच्छी बात है कि हुंडई वेन्यू SX वेरिएंट पेट्रोल ना लेके अगर आप डीजल लेंगे तो यहाँ पे भाई आपको वाइपर डिफोगर देखने को मिलती है, जबकि पेट्रोल में वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो ये अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे डीजल में दी गई है। और नीचे आओगे तो भाई यहाँ पे बैक कैमरा होने वाली है, 2 पार्किंग सेंसर, सिल्वर स्कीड प्लेट रखी गई है जिसके डिजाइन को प्रॉपर मेंटेन करके रखा गया है। अब इसके बूट को ओपन करेंगे तो एक रिक्वेस्ट सेंसर है जिसके थ्रू आप इसे ओपन कर पाएंगे। ऊपर में आते हैं तो हैंडल ग्रिप है जिसके थ्रू आप इसे क्लोज कर पाएंगे। ऑल ब्लैकआउट के साथ ये कवर किया गया है। अब यहाँ पे देखो यार, पासर ट्रे विद टोइंग हुक आपको मिलती है। बूट स्पेस जो है भाई ये 350 लीटर के साथ है, 2 बिग साइज की और 1 मीडियम साइज की ट्रॉली आप यहाँ पे कैरी कर पाएंगे।
राइट साइड में जो है ये बूट लैंप भी अवेलेबल है, तो ये अच्छी चीज है। देन यहाँ पे बात करेंगे भाई इसकी स्टेपनी की, तो ब्लैक पेंटेड स्टील रिम के साथ है। टायर सेक्शन 195/65 R15 की रखी गई है, जो कि गुडियर की टायर यहाँ पे मिलती है। गाड़ी के जैक टूल किट सारी चीज यहीं पे अवेलेबल होगी, तो भाई प्रॉपर ये मेंटेन करके रखी गई है, स्पेस काफी अच्छी बना के रखा गया है। अब आते हैं भाई गाड़ी के रियर इंटीरियर में, तो भाई यहाँ पे इसकी सीटिंग पोजिशन जो है वो काफी अच्छी रखी गई है। सबसे अच्छी बात इसके सीट को पीछे की ओर रिक्लाइन करना चाहेंगे आप अपने कंफर्ट के लिए लॉन्ग ड्राइव में, तो आप इसे रिक्लाइन कर पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि इसकी जो तीनों हेडरेस्ट जो है वो हाइट एडजस्टेबल के साथ है, 60-40 फोल्डेबल सीट। और इसकी सीट देखो यार, डुअल टोन काफी अच्छी प्रीमियम फैब्रिक के साथ रखी गई है। थाई सपोर्ट की बात की जाए तो ये भी अच्छी है, बड़े लोग कंफर्टेबल होकर बैठ पाएंगे। नीचे आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर होने वाली है। मिडिल में जो बैठेंगे उनके लिए 3 पॉइंट वाली सीट बेल्ट। इस वेरिएंट में भाई यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलती है। और इसकी लेग स्पेस की बात करेंगे तो ये भी प्रॉपर यहाँ पे मिलती है, बड़े लोग कंफर्टेबल होकर बैठ पाएंगे। और पीछे के कंफर्ट के लिए भाई एसी वेंट जहाँ पे सिल्वर इंसर्ट की गई है, एसी वेंट की कंट्रोल्स पीछे भाई टाइप सी चार्जर मिलती है, वो भी 2 मिलने वाली है। अच्छी बात यह है ये फास्ट सपोर्ट करेगी। और ड्राइवर सीट के बैक में आओगे तो यहाँ पे मैगजीन होल्डर, एक पॉकेट होल्डर होगी। अप साइड में दोनों साइड में सॉफ्ट हैंडल ग्रिप और राइट साइड में कोट होल्डर। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक रीडिंग लैंप मिलेगी। इसके साथ सनरूफ की जो व्यू है यहाँ पे काफी अच्छी मिलने वाली है, विड्थ अच्छी रखी गई है ताकि आप बड़े लोग भी कंफर्टेबल होकर यहाँ पे खड़े हो पाएंगे। देन गाड़ी के रियर डोर सिम्स में आओगे तो भाई ये ऑल ब्लैक कलर के साथ है, लेकिन बस यहाँ पे व्हाइट की थीम मिलने वाली है। अप साइड में यहाँ पे किया कोइन कैरी करनी है, पीछे पावर विंडोज होने वाली है, नॉब जो है वो सिल्वर के साथ रखी गई है, नीचे 1 लीटर की बोतल होल्डर, साथ में यहाँ पे स्पीकर्स मिलती है। भाई रेगुलर कार्स की तरह यहाँ पे भी चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, जो आपके चाइल्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। अब गाड़ी के फ्रंट के इंटीरियर में आओगे तो एक बार आप इसकी डैशबोर्ड देखो यार, डुअल टोन के साथ काफी अच्छी प्रीमियम फील करवाएगी। लेकिन इसकी सारी फीचर्स मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले चलेंगे गाड़ी के ड्राइवर्स डोर में। तो यहाँ पे चारों पावर विंडोज होने वाली है, ड्राइवर 1 टच डाउन पावर विंडोज होगी। पावर विंडोज को लॉक करनी है, सेंटर लॉकिंग, ORBM को फोल्ड करनी है, एडजस्ट करनी है, यहीं से आप कर पाएंगे। ऊपर में ट्विटर्स मिलेगी, नीचे स्पीकर्स होने वाली है, एक बोतल होल्डर, की या कोइन कैरी करनी है तो यहाँ पे आप कर पाएंगे। अब आते हैं भाई गाड़ी के ड्राइवर सीट में, तो इसकी सीटिंग पोजीशन देखो यार, काफी अच्छी रखी गई है। लॉन्ग ड्राइव में जो राइडिंग है ये आपको कंफर्टेबल होने वाली है। हेडरेस्ट की बात करेंगे तो ये हाइट एडजस्टेबल है, दोनों सीट को आगे पीछे या रिक्लाइन करनी है तो इजी वे में आप यहाँ पे कर पाओगे। सबसे अच्छी बात की यहाँ पे ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल आपको मिलने वाली है। इसकी कुशनिंग जो है सीट की काफी अच्छी है, थाई सपोर्ट भी बेहतर रखी गई है। और अच्छी बात यह है कि इसकी शोल्डर सपोर्ट प्रॉपर ये आपको हग करके रखेगी, तो लॉन्ग ड्राइव में जो राइडिंग है ये प्रॉपर आपको मिलेगा। साथ में यहाँ पे रीड करो भाई एयरबैग, तो यहाँ पे साइड एयरबैग भी होने वाला है। कहने का मतलब है कि हुंडई वेन्यू की कोई भी वेरिएंट लोगे तो यहाँ पे 6 एयरबैग मिलने वाली है, तो इस वेरिएंट में वो भी अवेलेबल होगी। अब इसकी स्टीयरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे पावर विथ टिल्ड मिलने वाली है, जहाँ पे डी कट के साथ होने वाली है, पूरी तरह से लेदर कवर है, बीच में कंपनी की लोगो सिल्वर की काफी अच्छी डिजाइनिंग को रखी गई है। और इसकी साउंड सुनो यार, वही क्रेटा वाली आपको साउंड मिलती है, जो कि इसे और भी प्रीमियम बनाती है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में गाड़ी की म्यूजिक कंट्रोल, जहाँ पे वॉइस कमांड मोड वाली आप बटन्स देख पा रहेंगे भाई। ये राइट साइड में जो MID के कंट्रोल्स आप देख पा रहेंगे, ये चीज़ तो अच्छी है, लेकिन भाई यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी मिलने वाली है, तो स्टीयरिंग में ये प्लस पॉइंट होने वाली है कि SX पेट्रोल वेरिएंट ना लेके इस डीजल वेरिएंट को लेते हैं, तो जो ये क्रूज कंट्रोल है उसमें नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल होगी इस डीजल वेरिएंट में, ये प्लस पॉइंट आपके लिए होने वाली है। तो भाई सिर्फ पेट्रोल या डीजल इंजन का फर्क नहीं है, फीचर्स भी एडिट यहाँ पे की गई है, जो कि इस डीजल वेरिएंट में आपको उसके कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा। अब राइट साइड में इसकी लाइटिंग की नॉब, और लेफ्ट साइड में इसकी वाइपर की नॉब। डैशबोर्ड के राइट के साइड में आओगे तो एसी वेंट पर काफी अच्छे सिल्वर इंसर्ट की गई है। आइडियल स्टार्ट स्टॉप ट्रैक्शन कंट्रोल, लाइट लेबलिंग की स्विचेस, इंजन स्टार्ट स्टॉप की बटन्स यहाँ पे मिलेगा। इसकी फ्यूज जो बॉक्स है यहाँ पे मिलेगा, बोनेट को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और इसकी जो तीनों लीवर है ये पूरी तरह से रबर कवर है, और साइड में एक फुटरेस्ट भी है जहाँ पे आप अपने पैर को रिलीफ दे पाएंगे और ड्राइवर सीट के नीचे यहाँ पे गाड़ी के फ्यूल लिड को ओपन कर सकेंगे। अब यहाँ पे इसके डैशबोर्ड में चलेंगे तो बीच में भी एसी वेंट में काफी अच्छे सिल्वर इंसर्ट की गई है। साइड में स्पेस काफी अच्छी है, फोन कोइन या छोटे मोटे चीज कैरी करनी है तो यहाँ पे आप कैरी कर पाएंगे। ग्लोबॉक्स की स्पेस भी काफी अच्छी है, और ये भाई कूल्ड के साथ है, ये चीज अच्छी बात हो जाती है। एसी वेंट में आओगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होने वाली है, और यहीं पे देखो यार काफी अच्छी सिल्वर इंसर्ट की गई है,
और डिस्प्ले जो है यहीं पे आपको होने वाली है। ऑटो के बटन्स, एसी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखो यार काफ़ी अच्छी आपको डिस्प्ले मिलती है जो कि इसे प्रीमियम बनाती है। फिलहाल इसे करते हैं ऑफ। अब इसके म्यूज़िक में आओगे तो भाई यहाँ पे 8 इंच की टच स्क्रीन है जहाँ पे 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स मिलने वाली है। सबसे अच्छी बात कि पेट्रोल के कंपैरिजन में इस डीजल SX वेरिएंट में क्या मिलने वाली है भाई, म्यूज़िक तो ठीक है लेकिन यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले यहाँ पे मिलने वाली है जो कि वहाँ पे मिसिंग है, वो वायर के साथ आती है, तो ये प्लस पॉइंट है। साथ में यहाँ पे ऐप में सब कुछ मिलती है जैसे फ़ोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेन्यू है, रेडियो है, मीडिया है, बैक कैमरा अगर आपको देखना है, सेटिंग है, मैनुअल बुक है, तो वो सब कुछ है। अगर इसकी बैक कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो कुछ इस टाइप से है जहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे गाइडलाइन के साथ मिलती है और ये भाई स्टेयरिंग के मूवमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सेफ्टी जो है यहाँ पे आपको प्रॉपर मिलेंगे और इस म्यूज़िक की ऑडियो वीडियो की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। देन नीचे आएंगे तो USB पोर्ट, 12 वोट, 120 वाट फास्ट चार्जर है, टाइप सी चार्जर है, साथ में अच्छी बात यह है कि वायरलेस चार्जर है। गाड़ी के गियर्स में आओगे तो 6 विथ एक रिवर्स के साथ है भाई, इंजन के साथ अब यहाँ पे अंतर होने वाली है भाई, ये डीजल के साथ है तो यहाँ पे 6 गियर है जबकि वहाँ पे 5 गियर मिलती है। पूरी तरह से लेदर कपल है, सिल्वर काफ़ी अच्छी इंसर्ट की गई है, की जो है या कोइन यहाँ पे आप कैरी कर पाएंगे, साथ में 2 कप होल्डर भी है। हैंड ब्रेक की जो ग्रिपिंग है ये प्रॉपर है और यहाँ पे आर्म रेस्ट भी मिलती है जिसे ओपन करोगे तो स्टोरेज जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है, ये जो है ये आपको फिक्स मिलेंगे। अब इसके MID में आओगे तो डॉट्स ओपन वार्निंग आप देख पा रहे होंगे, सनरूफ ओपन करोगे तो वो भी दिखेगी, साथ में बॉनेट को ओपन कर दोगे ना भाई वो भी यहाँ पे आपको सिंबल दिखने वाली है, तो ये अच्छी चीज़ है जो प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है। देन गाड़ी के इग्निशन को करेंगे स्टार्ट और इसकी एनिमेशन देखो यार काफ़ी अच्छी, कलर डिजिटल डिस्प्ले मिलती है जो कि प्रीमियम बनाती है, इसे काफ़ी अच्छी लगती है। सबसे पहले गाड़ी में फ्यूल कितनी है, गाड़ी के स्पीडोमीटर, RPM मीटर देख सकते हैं, यहाँ पे गाड़ी रेंज कितनी चलेगी आप साइड में देख पाएंगे, और यहाँ पे अभी मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। स्लीपिंग मोड में गाड़ी की बैटरी कितनी परसेंट चार्ज है वो आप देख पाएंगे, पीछे ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर है जहाँ पे सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी हो जाती है, टेम्परेचर गाड़ी कितनी चली है, और राइट साइड में गाड़ी की इंजन कितनी हीट है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब स्टीयरिंग में MID की कंट्रोल्स मिलती है, तो भाई इस बटन्स को प्रेस करते हैं तो सबसे पहले ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन में ज़रूरत की सारी चीज़ रियल टाइम माइलेज देख पाएंगे। यूजर सेटिंग में सब कुछ है जहाँ पे ड्राइविंग असिस्ट, क्लस्टर, लाइटिंग, डोर ओपन सब कुछ आपको मिलने वाली है। भाई ये डीजल है तो यूरिया लेवल कितनी है, कितनी परसेंट बची है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। और इसके फ्यूल लिड को ओपन करो भाई, यहाँ पे डीजल डालनी है, यूरिया जो डालनी है इस ब्लू वाले कैप के थ्रू डाल पाएंगे जो कि MID में आपको बताएगी कि उसकी परसेंट कितनी वहाँ पे बची हुई है। अब ड्राइवर के अब साइड में आओगे तो सॉफ्ट हैंडल ग्रिप है, यहाँ पे वैनिटी मिरर होने वाली है, रेगुलर आपको लाइट मिलती है, सनरूफ को ओपन करनी है, क्लोज करनी है इस बटन्स के थ्रू आप कर पाएंगे। ऊपर में माइक मिलती है, डे नाइट के साथ इसकी IRVM होने वाली है। ड्राइवर के साइड में आओगे तो भाई कार्ड टिकट होल्डर यहाँ पे आपको मिलती है। अब चलेंगे भाई इस गाड़ी के इंजन के प्रोफाइल में जहाँ पे उसकी पावर, टॉर्क, माइलेज और इस गाड़ी के प्राइस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आते हैं भाई गाड़ी के इंजन के प्रोफाइल में, तो यहाँ पे देखो यार इसकी इंसुलेशन मिसिंग है जो गाड़ी के हीट या नॉइज़ को एब्जॉर्ब करती है, ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन देन गाड़ी के इंजन और इसकी सारी कॉम्पोनेंट्स की प्लेसिंग यहाँ पे की गई है। बैटरी जो है ये पूरी तरह से कवर है, तो कौन सी कंपनी की है यही चीज़ मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखो यार इंजन की जो कवर है यहाँ पे प्रॉपर आपको मिलती है। देन इसके इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे 1.5 लीटर 1500 cc की 4 सिलेंडर की इंजन मिलती है जो कि CRDI आपको इंजन मिलती है। इंजन की डिटेल आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे और इसकी जो मैक्सिमम पावर टॉर्क मिलने वाली है वो भी आप यहाँ पे मेंशन देख पा रहे होंगे, तो अच्छी चीज़ है भाई। डीजल के साथ यहाँ पे पावर टॉर्क जो है वो पेट्रोल के कंपैरिजन में अच्छी होने वाली है। साथ में इस गाड़ी को लेते हैं तो कंपनी के साइड से जो वारंटी मिलने वाली है वो 3 साल या फिर 3 साल के अंदर में अनलिमिटेड किलोमीटर की कवरेज होने वाली है। वारंटी एक्सटेंड करनी है तो भाई टोटल यहाँ पे 7 साल तक कर पाएंगे, इसके साथ 3 साल का RSA भी कंपनी के साइड से फ्री यहाँ पे दी जाती है, तो इसकी लाभ आप 3 साल तक उठा पाएंगे। अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसकी माइलेज की, तो भाई वेन्यू डीजल के साथ लोगे और इसे सिटी में ड्राइव करोगे तो भाई सिटी में जो माइलेज होने वाली है वो 18 to 20, और इसे हाईवे में ड्राइव करोगे तो भाई यहाँ पे 20-22, अच्छे से ड्राइव करोगे तो भाई 23 भी आप यहाँ पे निकाल पाओगे। हालांकि माइलेज जो है वो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि आप गाड़ी किस कंडीशन में रखे हैं और आप गाड़ी किस कंडीशन में चला रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। अगर माइलेज आप निकालना चाहेंगे तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसकी चाबी की बात करेंगे तो भाई 2 स्मार्ट की मिलने वाली है जहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन्स आप देख पा रहे होंगे, ये होल्ड वाली जो बटन्स है जिसके थ्रू आप गाड़ी के बूट को ओपन कर पाएंगे, और यहाँ पे नीचे देखो यार एक और होल्ड वाली बटन्स मिलती है
जहाँ पे इसे लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो गाड़ी की इंजन स्टार्ट हो जाती है। तो भाई ऐसे पेट्रोल वेरियंट ना लेके डीजल लोगे तो चाबी में एक होल्ड वाली बटन्स मिलती है, जिसके थ्रू आप चाबी के थ्रू चाहोगे तो गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर पाओगे। तो ये अच्छी फीचर्स है जो कि यहाँ पे आपको पेट्रोल में कहीं ना कहीं मिसिंग मिलती है, इस डीजल वेरिएंट में अवेलेबल होती है साथ में पीछे कंपनी की लोगो। अब बात कर लेते हैं भाई इस गाड़ी की प्राइस की। तो वेन्यू डीजल एसएक्स वेरिएंट के साथ जाओगे जो कि यहाँ पे सिंगल टोन के साथ लगी है, तो इसकी एक्स शोरूम जो है वो 12,37,000 के आसपास पड़ती है। और इसे हजारीबाग वत्सल शोरूम से लोगे जो कि झारखंड में अवेलेबल है, तो यहाँ पे इसकी ऑन रोड जो है वो 14,18,000 के आसपास पड़ती है। इस ऑन रोड के प्राइस में इसे हजारीबाग शोरूम से लेने का प्लान करते हैं या हुंडई की कोई भी गाड़ियों की इंक्वायरी इस शोरूम से करना है तो भाई ये रहा इस वीडियो में नंबर, आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और यहाँ से कोई भी गाड़ी की इंक्वायरीज आप डायरेक्ट शोरूम वाले से कर पाएंगे। तो भाई ये रहा इस गाड़ी की सारी फीचर्स, जहाँ पे मैंने साइड बाय साइड सब कुछ कवर करके बताया, साथ में इसकी प्राइस क्या होने वाली है और इस वेरिएंट को पेट्रोल में ना लेके डीजल में लेते हैं तो एक्स्ट्रा क्या फीचर्स है उसके कंपैरिजन में, वो भी चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताया। तो भाई अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि वेन्यू डीजल में लेने का प्लान कर रहे हैं तो भाई इस वेरिएंट को ले लेना जहाँ पे ज़रूरत की सारी चीज़ अवेलेबल होने वाली है। तो करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाना। भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।